हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे केले के सब्जी की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। कच्चे केले की सब्जी आपने कई बार बनाई होगी, कई तरीक़ों से बनाई होगी। एक बार इस तरीके से बनाकर देखो, इतना टेस्टी और मज़ेदार लगता है। एक बार आप बना लोगे तो आप बार बार बनाना पसंद करोगे। बिल्कुल आपको ये फिश का टेस्ट देगा। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। घर में रखे हुए मसालों से बनाकर इसे तैयार करेंगे। जिसे भी आप बनाकर खिला दोगे, नहीं पसंद करने वाले भी पसंद से खाएंगे, दो रोटी ज़्यादा खाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। देख सकते हैं कि केले हमारे खिले खिले से हैं और कितना चटपटा दिख रहा है। बहुत ही चटपटा खाने में लगता है दोस्तों। जैसा ये दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी आपको ये खाने में लगेगा। तो चलिए बिना देरी के हुए झटपट बनाना शुरू करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कच्चे केले। केले को छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसे छील कर काट लेते हैं। केले को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट कर लिया है। अच्छी तरीके से हमने इसको धो लिया है। तो चलिए गैस ऑन करते हैं। गैस हमने ऑन कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा ली है, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, डालेंगे इसमें सरसों का तेल। इसे सरसों के तेल में ही बनाएं, तभी इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, डाल देंगे इसमें अपने केला को जो हमने काट के रखा है। बहुत टेस्टी और मज़ेदार ये सब्जी बनकर तैयार होती है। सूखी सब्जी हम बनाएंगे। इसे भुने देते हैं। केले हमारे भून रहे हैं तब तक हम तैयार कर लेते हैं कुछ मसाले। इसके लिए लिया है मैंने 7-8 कलियां लहसुन की, काली मिर्च, धनिया, जीरा। जितना हमने जीरा लिया है उससे दुगनी मात्रा मैंने धनिया लिया है। पीली सरसों, काली सरसों मेरे पास दोनों से, तो मैंने दोनों ले ली। अगर आपके पास कोई एक हो तो आप एक भी ले सकते हो। हरी मिर्च चाहे तो लाल मिर्च भी ले सकते हो। इन सबको पीस कर इसका एक फाइन पेस्ट हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए जब तक हमारे केले भुन रहे हैं हम अपने मसाले को पीस कर रेडी कर लेते हैं। ये सारे मसालों को डाल देंगे हम मिक्सर में और एक इसका बारीक पेस्ट हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। इधर केले हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया सा गोल्डन कलर इसका आ गया है। केले को हाई फ्लेम पर ही भुने, बढ़िया सा इसका कलर आ गया है। अच्छे तरीके से हमारे ये भुन चुके हैं। गैस को मैंने कम कर दिया है, निकाल लेते हैं अपने केलों को। दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। आपस में ऐसे ही जुड़े रहें। इधर मसाले भी हमने पीस कर रेडी कर लिया है। अच्छी तरीके से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। चलिए गैस फिर ऑन करते हैं। कढ़ाई हमने चढ़ा ली है, जिस कढ़ाई में हमने अपने केले को भुना था। डाल देंगे इसमें ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं डालना है, सब्जी हम कम ऑयल में ही बनाएंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, डाल देंगे हम इसमें पंचफोरन। इसमें मैंने डाला है जीरा, मेथी, अजवाइन, सरसों और सौंफ। इसे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। पंचफोरन हमारा अच्छी तरीके से चटक चुका है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो यहाँ मिर्ची भी डाल सकते हो। मैंने मिर्ची को मसालों के साथ पीस लिया है, इतना तीखा काफ़ी है। अब डाल देते हैं जो पीसे हुए मसाले हमने रेडी करके रखे हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनकर ये सब्जी तैयार होती है दोस्तों, झटपट बनकर तैयार हो जाएगी।
मसालों के साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि मसालों में हमने हल्दी नहीं पीसा था। इसके अलावा डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। इसके अलावा हमें इसमें डालना है एक टमाटर, ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर अभी काफ़ी महंगे हो रहे हैं, लेकिन सरसों के मसाले जब भी भुने, एक टमाटर डाल देने से क्या होता है कि इसका जो कड़वापन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। बहुत ही टेस्टी है बनकर तैयार होता है, बिल्कुल भी इसकी कड़वाहट नहीं आती है और बहुत ही मज़ेदार इसके साथ ये लगता है। तो एक कोशिश करें कि एक टमाटर मसालों के साथ भून लेना है हमें। अगर टमाटर नहीं है तो आप इसके जगह आमचूर का पाउडर या फिर थोड़े से नींबू का रस भी निचोड़ सकते हो। आमचूर का पाउडर डालना है तो मसालों के साथ ही डाल देना, नींबू का रस लास्ट में हम डालेंगे। मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है, 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। सरसों को मसालों को थोड़ा सा भुनना पड़ता है और इसका टेस्ट बढ़िया आता है। अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक मसालों को भून लें, जब तक कि मसाले हमारी कढ़ाई नहीं छोड़ने लगे। मसाले अपने आप देखोगे कि क्वांटिटी में कम हो जाएंगे और ये कढ़ाई छोड़ने लगते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है दोस्तों, बनाकर जरूर से ट्राई करना। और वीडियो पसंद आ रही हो, अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। मसालों को अच्छी तरीके से भून लेना है। मसालों के साथ ही हम डाल देते हैं यहाँ पर इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसे क्या होगा जो टमाटर जो है हमारा वो अच्छी तरीके से गल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है दोस्तों, ज़्यादा वक्त भी नहीं लेती, बना के ज़रूर से ट्राई करना। कैसा बना मुझे कमेंट में बताना। मसालों को हमें थोड़ा भुनना होगा, 1 से 2 मिनट तक इसे ज़रूर भून लें, तभी मसालों का टेस्ट बढ़िया आता है। बहुत ही चटपटी सब्जी बनकर तैयार होती है दोस्तों। मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं क्वांटिटी में काफ़ी कम हो गए हैं। कलर इसका कितना परफेक्ट आ गया, एकदम बढ़िया सा इसका कलर आ गया है। ऑलरेडी नमक हमने इसमें डाल ही रखा है, बस डालना है इसमें पानी। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना, क्योंकि केले काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और जल्दी पक जाते हैं, और हमें सब्जी ग्रेवी वाली नहीं बनानी, सब्जी हमें सूखी बनानी है। अगर हम ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हो तो पानी ज़्यादा डाल सकते हो, मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, केला हमारा जल्दी पक जाता है। भुनने के समय ही लगभग आधे से अधिक वो पक चुका है। अच्छी तरीके से इसको मिला मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देते हैं इसमें अपने भुने हुए केला। केले की इतनी चटपटी सब्जी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, बना के जरूर से ट्राई करना दोस्तों। एक बार बना लोगे बार बार इस तरीके से बनाना पसंद करोगे, क्योंकि बहुत जल्दी बनकर भी तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। बहुत लोग केले की सब्जी पसंद नहीं करते हैं, एक बार इस तरीके से बना कर दो, बहुत ही पसंद से खाएंगे। इसे ढककर 2-3 मिनट तक पका लेते हैं, 1 से 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। बस ग्रेवी जो हमारी सूख जानी चाहिए। सब्जी बनते हुए हमारे लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं, खोल के देखते हैं। वाओ सुपर, देख सकते हैं सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी है। चेक कर लेते हैं एक बार अपने केले को। केला काफ़ी सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी पक जाता है, तो बहुत देर तक इसे ना पकाएं। देख सकते हैं बहुत इजीली ये कट जा रहा है, केला हमारा पक के रेडी हो गया है। इसका मतलब है सब्जी हमारी बिल्कुल बन गई है, इसकी ग्रेवी भी सूख चुकी है। चलिए गैस को बंद करते हैं।